ऐसी कोई बाधा नहीं है जो समाप्त न हो जाए। जो दौलतमंद बनना चाहते हैं, याद रखिए कुबेर को कुबेर बनाने वाले शिव हैं, वो सबको धन देने वाले देवता बना दिए शिव जी ने। जो धनवान बनना चाहते हैं, श्री शिव जी पर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। बेटी का जन्म ही दुखदाई है, बेटियों का आदर करो, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर दो। तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता अपनी जान भी दे सकता है, तुम्हारे किसी कर्म से तुम्हारे पिता को नीचा न देखना पड़े। ऐसी कोई बाधा नहीं है जो समाप्त न हो जाए। मैंने आपको बताया था वाहन सुख के लिए अभिषेक हम लोग कैसे कर सकते हैं। जिन लोगों को वाहन का सुख चाहिए उन्हें अभिषेक के साथ साथ चमेली का पुष्प भगवान शिव पे चढ़ाना चाहिए। जो दौलतमंद बनना चाहते हैं उन्हें भगवान के ऊपर कमल के पुष्प चढ़ाने चाहिए। कमल के पुष्प चढ़ाने से बाबा शिव उस मनुष्य को संपत्ति प्रदान। अब एक बार नहीं, अनुष्ठान बना के कि ऐसा कोई अनुष्ठान है हमारा, हम ऐसा अनुष्ठान बनाएंगे जैसे 16 सोमवार करने, 16 सोमवार हमें पूजन करना है, ज्यादा नहीं तो 108 कमल के पुष्प हर एक सोमवार शिव जी पे चढ़ाओ। याद रखिए कुबेर को कुबेर बनाने वाले शिव हैं, उस कुबेर को छोड़ दें उसके बराबर धन किसी पे नहीं है। वो सबको धन देने वाले देवता बना दिए शिव जी ने। इसलिए मेरा आग्रह है आप सबसे कि आप लोग सभी जो धनवान बनना चाहते हैं उन्हें कमल के पुष्प श्री शिव जी पर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से। पुत्र प्राप्ति के लिए धतूरा शिव जी पे चढ़ाना चाहिए और धतूरा भी लाल धतूरे का फूल चढ़ाएं, अगर वो ना मिले तो फिर सामान नहीं चढ़ा दें। अगस्त के फूल से शिव पूजा करने पर सम्मान मिलता है। शिव पूजा में कनेर के फूलों के अर्पण से वस्त्र आभूषण इच्छा पूरी होती है। लंबी आयु के लिए दुर्वा से अर्थात दुर्वा जो है लंबी आयु के लिए अपने लिए अथवा अपने बच्चों के लिए भगवान भोलेनाथ पे दुर्वा चढ़ानी चाहिए। और ये सहज उपाय हैं, उपलब्ध उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं, ये शिव पुराण के अनुसार है। हम सभी को इन उपायों को, अब प्रॉब्लम क्या आ गई है, पूर्व में रखे हुए धन को खर्चा तो हम कर रहे हैं, नया नहीं कमा रहे हैं। कैसे? आपके पास आज जो भी है वो पूर्व जन्मों में किए हुए सुकृतों का फल है, जो आप पहले करके आए उसके फल स्वरूप आपको धन मान सम्मान प्रतिष्ठा सब मिल गया, लेकिन अभी वो सब हो नहीं रहा। अब आगे कोई बढ़ोतरी नहीं है, अब आगे कोई काम नहीं हम कर रहे, तो प्रॉब्लम कहां आ गई। अब यह है कि जैसे आपने बैंक में जमा कर दिया, महीने का 2 लाख रुपए तो नित्य निकाल रहे हो पर 2 रुपए जमा नहीं कर रहे हो। एक दिन तो बैंक वाले कह देंगे योर अकाउंट इज एम्प्टी, अब कुछ नहीं है, गेट आउट, चार्ज और दे दो, खाली पड़ा उसका। पूर्व जन्म के सुकृत जो आप करके आए हैं वो आपको इस जन्म में अभी भी मिल रहा है, लेकिन इस जन्म में सुकृत न करने के कारण आपका अकाउंट एम्प्टी हो रहा है। इसलिए कम से कम उतना तो कमाते ही रहो जितना आप खर्च करते हो। कितना कमाए? बोले हर दिन एक अच्छा काम जरूर किया करो। कुछ नहीं कर सकते तो शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर और बेल पत्र चढ़ाकर और जो इच्छा आपकी हो उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए जो उपाय मैंने बताए हैं उनसे शिव जी की पूजा कर दिया करो। देखो तुम्हारे अच्छे कर्म बनते चले जाएंगे और तुम्हारे यहाँ न धन की कमी रहेगी न परिवार की कमी, कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी नहीं रहेगी तुम्हारे जीवन में। बोलो राधे राधे, जोर से।
मनुष्य जिस भी उद्देश्य के साथ रुद्राभिषेक करता है वह पूर्ण होता है। रुद्राभिषेक करने से आपको सुख शांति खुशी धन और सफलता मिलती है। जल में इत्र मिलाकर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सब कल बताया मैंने, इसीलिए मैंने कहा कि अपने हाथ से पार्थिव शिवलिंग बनाइए और फिर उनका अभिषेक कीजिए। हम समिति के लोगों से कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ऐसा कोई व्यवस्था की जाए जिससे यहां आने वाला ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति उस अभिषेक को कर सके और अपने सोए हुए भाग्य को जगा सके। बोलो राधे राधे। जोर से होनो ही दुख रूप घर में कोई न रख सक्यो रंग हो चाहे भूप। बेटी का जन्म ही दुखदाई है, घर में कोई रख नहीं सकता चाहे वो गरीब हो चाहे वो कितना भी बड़ा राजा हो। अपनी बेटी अपने हृदय के टुकड़े को तो एक दिन विदा करना ही पड़ता है। लेकिन मैं भारतवासियों से एक निवेदन करूंगा, बेटियों का आदर करो, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर दो। और बेटियों से सिर्फ एक निवेदन करूंगा, अपने बाप के सम्मान को नहीं झुकने देना। तुम्हारे लिए तुम्हारा पिता अपनी जान भी दे सकता है, पर तुम अपने पिता के लिए क्या दे सकती हो? सिर्फ एक चीज जो पिता को चाहिए तुमसे, तुम्हारे किसी कर्म से तुम्हारे पिता को नीचा ना देखना पड़े, चाहे ससुराल में चाहे समाज में चाहे पिता के घर में रहो तब तक। तुम सिर्फ ये दे सकती हो, इसके अलावा कुछ नहीं। पिता को चाहिए क्या तुमसे? वैसे बड़े गजब की बात है, लोग कहते हैं बेटी पराया धन है, लोग कहते हैं बेटी पराया धन है। मुझे नहीं लगता, बेटी बड़ी सौभाग्य, पराया धन कैसे हो सकती है बेटी? लोग कहते हैं बेटियों का घर नहीं होता, सासू माँ के माँ कहती है तुझे तो पराए घर जाना है, और जिसके घर में जाओ सासू माँ क्या कहती है, तू पराए घर की है। यही कहते हैं ना, तू पराए घर की है, और वो कहते तुझे पराए घर जाना है। क्या बेटियों का कोई घर नहीं है? मुझे लगता है बेटियों का दोनों घर है, पिता का घर भी बेटी का घर है और ससुराल भी बेटी का घर है। जिस घर में देवियां घर संभालने वाली नहीं होती ना, उन घर के हाल देखो जाके। अगर शिक्षा देनी है ना तो बेटे को दो। जो कहता है मेरा घर है मेरा राइट है, बेटियों के दो घर है, पिता का घर भी बेटियों का है और ससुराल तो बेटियों का ही है। सासू माँ से भी मेरा एक निवेदन है, जब तुम ये कहती हो ना पराए घर से आई हो तो तुम उसी घर में पैदा नहीं हुई थी। तुम उसी घर की नहीं हो, तुम्हें भी उस घर में लाया गया है। ये संसार का नियम है, एक आता है और एक जाता है। तो इसलिए कभी भी बहू को यह नहीं कहना चाहिए तू पराए घर की है, तू इस घर की नहीं है, अब तो यही घर इसका है। आपकी बहू है इसे आदर दो, आपकी बेटी है इसे आदर दो। बेटियों अपने माँ बाप का आदर और सम्मान गिरने मत दो, बस यही आपसे। ये जो कथा है ना पतिव्रत धर्म की, ये इसीलिए है जिससे आप अपने सतीत्व पर टिके रहे। आप अपने धर्म पर टिके रहे इसलिए, आप धर्म पर टिके रहेंगे। ये सब क्रियाएं किस लिए बताई गई हैं? जिससे आपके घर में सुयोग्य संतान हो सके। चरित्रहीनों के यहां पर कोई श्रेष्ठ बच्चे नहीं होते। कैसे बच्चे होंगे चरित्रहीनों के यहां पर? चाहे पुरुष चरित्रहीन हो चाहे स्त्री चरित्रहीन हो, कोई भी क्यों ना हो, कैसे बच्चे होंगे जरा बताइए। पुरुष को भी चरित्रवान देवी से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप चरित्रवान होंगे तो आने वाली पीढ़ी आपका नाम रोशन करेगी, देश का नाम रोशन करेगी, देश को आगे बढ़ाएगी, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएगी। क्या बोलना पड़ेगा?
ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़े। तो ये जो सारे नियमावली है, चाहे स्त्री के लिए चाहे पुरुष के लिए, ये सारे नियम घर में सुयोग्य संतान के लिए हैं। हम इन्हें फॉलो करें, हम इन्हें पालन करें।